प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे NIRA यानी नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित निकाय को NIRA यानी नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। अब जान लेते हैं NIRA के बारे में। यह देश में नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की योजना, जांच, वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय होगा। यह राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी यानी NWDA को प्रतिस्थापित करेगा। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह प्राधिकरण नदी जोड़ो परियोजनाओं और उनसे संबंधित कानूनी दाव पेज, पर्यावरण, वन्यजीव और वन मंजूरी संबंधित मुद्दों की देखरेख करेगा। परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और इससे संबंधित सभी शक्तियां प्राधिकरण में निहित होंगी। व्यक्तिगत लिंक परियोजनाओं के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी SPV स्थापित करने की शक्ति भी प्राधिकरण में निहित होगी। यह प्राधिकरण अंतरराज्य और अंतरराज्य दोनों के साथ समन्वय करते हुए अपने कार्यों को गति देगा। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। मूलतः इस परियोजना का संबंध जल आधिक्य वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करना है। इस परियोजना का प्रबंधन NWDA यानी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी करती है। NWDA की स्थापना 1982 में हुई थी। नदियों को आपस में जोड़ने की कल्पना पहली बार सर आर्थर कॉटन द्वारा की गई थी, हालांकि तब इसे लागू नहीं किया जा सका था। आइए जान लेते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स यानी ILR के बारे में। इसके अंतर्गत NWDA यानी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने व्यापक अध्ययन के बाद हिमालयी नदी घटक में 14 और प्रायद्वीपीय नदी घटक में कुल 30 में से 16 लिंकों की पहचान की है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक विशाल दक्षिण एशियाई जल ग्रिड तैयार करने के लिए लगभग 3000 भंडारण बांधों का नेटवर्क बनाने की योजना है, जिसके लिए देश की 37 नदियों को जोड़ा जाना है। कुछ प्रमुख ILR परियोजनाएं निम्नलिखित हैं: केन बेतवा लिंक, दमन गंगा पिंजाल लिंक, पार तापी नर्मदा लिंक, मानस संकोष तिस्ता गंगा लिंक, महानदी गोदावरी लिंक और गोदावरी कावेरी लिंक। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। NWDA यानी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982, 1984, 1972 या फिर 1974? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।